कि अभी तक हम शादी में ये देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और प्यार देने वाला होना चाहिए गुड लुकिंग होना चाहिए मगर एक शादी को लंबे समय तक आ, साथ दोनों की कंबेटलिटी तो इम्पॉर्टेंट है बट रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब बात मैनेज करने की होती है रिलेशनशिप में शादी में तो हम उसको ये मैनेज करने की बात करते हैं वी विमेन्स डू ऑफ सेक्रीफाइज टू एंड वी आर द स्ट्रॉग पिलर्स ऑफ द फैमिली बट समेयर वी हमको नेगलेक्ट किया जाता है या हमारे जो चीज़ें

पर्सन क्योंकि मैंने इतना काम किया है पंद्रह सौ एपिसोड एक सीरियल के एक लाइफ में कर लेना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है yeah. मेरी आवाज़ एक्चुअली ऐसी थी और uh, मुझे यकीन नहीं हो रहा मुझे इस कैरेक्टर के लिए चूज़ कर रहे हैं और मैं तो ऐसी ही नहीं मैं तो uh, बहुत यू नो स्ट्रांग हूँ मैं कैसे करूँगी तो रोहित ने बोला कर ले कम से कम यहाँ तो तेरे को दबता हुआ देख के मजा आएगा Hello and welcome to Bollywood Bubble. I'm Akriti Bagla and today I'm with a sister duo who I'm sure everyone are going to love. Manga Lakshmi, that is Dipika Singh and RJ Sanika Hello and welcome to Bollywood Bubble. I thank so you, so, you much, so much. Thank you, thank you so thank much. much, Bollywood Bubble. You know, first of all, I want to tell you, uh, Manga Lakshmi's first look, teasers, trailers, aya, one thing that striped was the relatability as a lady, as a girl. देखो कि yeah. okay, ये रियल लाइफ में भी ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं दीपिका कमिंग टू यू डू यू बिलीव कि एक्चुअली एज अ वुमन टू सर्वाइव इन योर मैरिटल लाइफ यू नीड टू हैव दैट सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस द काइंड ऑफ यू नो पेशेंस से यू आर हैविंग इन द टीवर व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ आई थिंक सेल्फ कंट्रोल पेशेंस एंड सैक्रिफाइस वो आपको करियर में भी लगता है बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स वी फोगेट जब बात मैनेज करने आती है रिलेशनशिप में शादी में तो हम उसको सेक्रीफाइज या यो मैनेज करने की बात करते हैं वहीं हम वर्क फ्रंट पे डेढ़ सौ लोगों को मैनेज कर रहे होते हैं वहाँ पे हमारे हम कलीग से नहीं आर्गूमेंट्स में इंडल्ज करते मगर घर वालों के साथ में हम आर्गूमेंट्स में इंडल्ज हो जाते हैं उनकी फीलिंग्स को हट कर देते हैं बट वहीं जब हम अपने कलीग्स के सामने काम करते हैं तो हम मेक श्योर sure करते हैं हमारी कोई भी बात ऐसी ना हो जाए जहाँ हमें काम करने में दिक्कत हो तो वो चीज़ें हम घर में क्यों नहीं याद रखते Uh, क्यों हम घर वालों को ग्रांटेड लेते हैं और अपने आप को इतना ओपन अप कर देते हैं दैट वी स्टार्ट मेकिंग यू नो हर्टफुल आर्गूमेंट्स और uh, सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट होने लग जाती हैं तो अगर हम जैसे हम बाहर रहते हैं वैसे अगर हम घर पर भी रहें और वो सेल्फ कंट्रोल और वो पेशेंस और uh, हर एक इंसान के सेक्रीफाइस को रिस्पेक्ट uh, दें और uh, uh, सब प्यार से अप्रीशिएट करें जेनली uh, अप्रिशिएट करें ना ही ऊपर ऊपरी तो उनके एफर्ट्स को तो मुझे लगता है लाइफ बहुत स्मूथ चलती है सानिका दिस ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग एन इन्फ्लुएंसर टू नाउ एन एक्ट्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल वाई दिस शो एज योर डेब्यू एंड हाउ हज दिस प्रोसेस बीन फॉर यू राइट पहली बात तो मैं खुद को इन्फ्लुएंसर नहीं समझती हूँ बिकॉज आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर सो मैं खुद अपने वीडियोस स्क्रिप्ट शूट एडिट करती थी सो दैट एक्टिंग थिंग हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ मी एंड स्पीकिंग अबाउट रेडियो तो रेडियो में और टी वी में अब एक जो कॉमन थ्रेड है वो यही है कि मुझे ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट होना है yeah. वहाँ पर मैं वॉइस एक्टिंग के थ्रू कनेक्ट होती थी यहाँ पर मुझे वॉइस एक्टिंग भी करनी है और एक्टिंग भी करनी है विच इज़ एक्सप्रेशंस सो ये जो ट्रांजिशन है मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड नर्वसली एक्साइटेड आई गेस टू डू दिस

क्योंकि uh, मुझे ऐसे लगता है कि बींग अ कॉन्टेंट क्रिएटर तुम्हारे कॉन्टेंट में अगर दम है yeah. तो इट टेक्स यू अ लॉन्ग वे अड तो इस शो yeah. के कॉन्टेंट में बहुत दम है आप अगर देखोगे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें जो वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स लेके आएंगे विच इज़ गोइंग टू बी अ वर्थ वाइल द वॉच और uh, लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे सिंस इट्स अ होमली स्टोरी रिलेटिबिलिटी वाइज बहुत uh, अच्छा होने वाला है दीपिका आई विल्ड से दिस एज योर कम बैक बट वाई दिस कैरेक्टर ऑन टेलीविजन येस यू एस डिट बिफोर ऑल्सो सो या बिकॉज द स्टोरी जैसे कि सानिका ने भी बोला uh, ये कैरेक्टर एक तो बहुत रिलेटेबल है और ये स्टोरी बहुत रिलेटेबल है इट इज़ लाइक एक एक ऐसा कैरेक्टर है एक ऐसी स्टोरी है जो एक हर एक इंडियन हाउस होल्ड जो है ना उसमें अपनी कहानी देखेगा hmm. और हर एक इंडियन विमेन चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो हाउस होल्ड हो वो अपने आप को इस कैरेक्टर में देखेगी बिकॉज वी वी विमेन्स डू लॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस टू एंड वी आर स्ट्रॉ पिलर्स द फैमिली बट समेयर वी हमको निगलेक्ट किया जाता है हमको क्रेडिट नहीं दिया जाता जो नॉट मी बट लॉर्ड ऑफ हमारा फील करता है और कभी जब इस शो के जरिए जब ये बात सामने आएगी कि चुटकी भर सम्मान तो कहीं ना कहीं ये बात रियलाइज होगी कि uh, प्यार देना बहुत जरूरी है उनको तो साथ में क्रेडिट देना भी जरूरी है वो सम्मान देना वो बहुत जरूरी है तो इन अ वेरी वेरी नाइस वे दिस शो इज़ सेइंग दिस थिंग जहाँ पे मंगल जो है अपनी बहन के लिए ढूँढ रही है एक ऐसा घर जहाँ हो सम्मान देने वाला वर जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है क्योंकि अभी तक हम शादी में ये देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और प्यार देने वाला होना चाहिए गुड लुकिंग होना चाहिए मगर एक शादी को लंबे समय तक साथ दोनों की कंपेटलिटी तो इम्पॉर्टेंट है बट रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक बार वो रिस्पेक्ट छूटती है ना तो प्यार भी उड़ जाता है तो बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में रिस्पेक्ट हो और यही हार्डशिप्स जो एक्सपीरियंसेस मंगल ने अपनी लाइफ में देखे हैं वो चाहती है कि लक्ष्मी की ज़िंदगी में वो ना उसको फेस करने पड़े यू नो वट वॉज रोहित रिएक्शन लुकिंग एट दिस यू नो कैरेक्टर ऑफ यू सी मी एंड रोहित इज़ वेरी फनी वैन वी आर नॉट ऑन स्क्रीन एंड नॉट वर्किंग सो वैन आई टोल्ड हेम यू नो मुझे ये कैरेक्टर आया मेरी आवाज़ एक्चुअली <laughs> ऐसी थी और uh, मुझे यकीन नहीं हो रहा मुझे इस कैरेक्टर के लिए चूज़ कर रहे हैं और मैं तो ऐसी हुई नहीं मैं तो uh, बहुत यू नो स्ट्रांग हूँ मैं कैसे करूँगी तो रोहित ने बोला कर ले कम से कम यहाँ तो तेरे को दबता हुआ देख के मज़ा आएगा जोक्स अबार्ट ई लट देन ही सैड यू नो कि जोक्स अबार्ट बट इफ यू आई नो यू कैन डू इट बिकॉज यू आर अ वेरी फाइन एक्टर एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग इट्स ये बहुत इंटरेस्टिंग है और यू शुड गो फॉर इट एंड इसको प्लीज़ ध्यान से करना इसको प्लीज़ सीरियसली करना बिकॉज रोहित नो कि मैं बहुत वक्त से अपने काम को सीरियसली नहीं ले रही थी yeah. और कहीं ना कहीं घर पे रहना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था yeah. uh, डांसिंग में एक्सप्लोर करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो रोहित मुझे जब भी देखते थे तो मुझे ओडीसी के और यू नो उसका म्यूजिक सुनते ही देखते थे या सोहम के साथ में देखते थे तो रोहित थिंग समवेयर एज अ क्रिएटिव पर्सन वॉज फीलिंग यू नो इंडस्ट्री का एक अच्छा एक्टर इतने सुकून yeah. से घर पर बैठा हुआ मुझे सुकून नहीं आ रहा है तो ही रियली वांटेड मी टू डू यू नो टू डू वर्क एंड स्पेशली दिस शो ही सैड कि बहुत अच्छा नसीब है जो यू नो ये कैरेक्टर

वर्क और वो चाहते थे मेरे कैरेक्टर करूँ रोहित भी चाहते थे बट विदाउट प्रोड्यूसर परमिशन ये नहीं हो सकता था तो उनकी वजह से आई वॉज इन द फिल्म और बिकॉज uh, वो घर से ही बिकॉज रोहित ने लिखी थी तो वो ईजी था उस फिल्म तक पहुँचना मेरे लिए आई वॉज कैप्टल बिकॉज मुझे पता था कि टी वी से दूरी हो जाएगी एंड uh, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से पैर जमा चुकी हूँ वो एक नई इंडस्ट्री हो जाएगी और वही हुआ कि वो एक इंडस्ट्री एकदम नई है वहाँ शायद लोग मेरे काम को उतना नहीं जानते मुझे शायद उतना नहीं जानते जो है या मेरे टैलेंट पे इतना भरोसा करते हैं जितना टेलीविजन में मेरे टैलेंट पे लोग भरोसा करते हैं आज मुझे ये रोल मिला जो कि बिल्कुल अलग है जो मैंने काम किया बट कहीं ना, ना कहीं कही यहाँ पे मुझ पर लोगों को भरोसा है कि ये दीपिका इज अ वेरी नाइस एक्टर एंड शी कैन पुल्ड इट ऑफ बट वो शायद भरोसा वहाँ आने में टाइम लगेगा यू डू यू थिंक टी वी एक्टर का लेबल इज द रीज़न बिहंड ट्रस्ट की है यू नो लोग आप पे वो ट्रस्ट नहीं दिखा पा रहे थे उस प्लेस में नहीं मैं ये नहीं कहूँगी बिकॉज मैं खुद अपने जोन में बहुत okay. ज़्यादा ही लुफ्त no. थी मैं अपने ओडीसी डांस में ही बहुत ज़्यादा लुफ्त थी जैसा कि मैंने कहा और आई वॉज नॉट फुली वॉन्टेड टू यू नो वर्क वर्क जैसा मेरे दिमाग yeah. में रहता ही नहीं है क्योंकि मैंने इतना काम किया है पंद्रह सौ एपिसोड एक सीरियल के एक लाइफ में कर लेना ही True. बहुत बड़ी बात हो जाती है और आई फील आई एम एम एज एन एक्टर कि मुझे इतना काम ऑलरेडी एक साथ काम करने का मौका मिला।, मिला तो मैं कहीं ना कहीं बहुत फुलर फील करती हूँ अपने अंदर मुझे क्रेव नहीं होता काम करने का वो एक बड़ा रीजन है तो अगर ऐसा होता तो शायद मैं टी मानी में भी नहीं होती या। तो आ, वो तो मैं नहीं मानती कि ये बात है इज इज दैट कि मेरे ही नेटवर्किंग में कहीं ना कहीं कमी है आ, और टेलीविजन में लोग मुझे खुद ही अप्रोच करते हैं मैं ही मना करती हूँ इस बार रोहित ने मुझे कहा कि नो यू शुड गो फॉर इट तो वो चीज़ है दीपिका यू नो आस्किंग दिस क्वेश्चन आपने जब अपना डेब्यू शो किया और बात ही हम you roast, you fame overnight. कही कहीं कहीं ना बोलते ना इस स्पेस में फेम जितनी जरूरी होती है उसे मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी, बहुत जरूरी है वाइल दैट कैरेक्टर इज स्टिल एक्ट इंड एवरी वन वॉज इट difficult for you to break out of that shell because what happened we always have seen you as that strong headed woman hmm. and now seeing you as a meek person yes as a shy girl you know yes, it's yes. quite a different zone yes. so was breaking that image tough for you यस लाइफ मुझे लगता है लाइफ में जब तक चैलेंज ना हो जब तक टफ टाइम्स ना हो तब तक तो मज़ा भी नहीं आता मुझे exactly. सुख से ज़्यादा दुख में ज़्यादा मज़ा आता है अजीब सी मेरी जिंदगी है मैं तो हर रोज़ अपने आप को थकाती हूँ चार घंटा डांस करती हूँ अगर मेरे पास काम नहीं है तो आई वॉन्ट टू लिव यू नो जब बॉडी में सब जगह पेन हो और तब बिस्तर पर सोने में मुझे मज़ा आता है दैट्स काइंड ऑफ ह्यूमन बींग आई एम तो मुझे एक दिन भी दिया बात में ऐसा नहीं था वेयर एक्चुअली आई फेल्ड किया अरे आई हैव अचीव दिस कैरेक्टर तो एवरी डे थिंग्स you know, new new, uh, yeah. वो हर रोज रहता है और उसके बाद भी सस्टेन करना मुझे लगता है सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है और yes. साथ में वो मेरा जो शो है वो आज भी वापस आता है एंड शो ही इतना अच्छा है यू नो वो कि कंटेंट उसका अच्छा है कि आज भी लोगों को फ़्रेश लगता है उसमें सब ने जिस तरह से काम किया वो इतना रिलेटेबल काम किया कि वो फ्रेश लगता है आज भी मैं खुद उठा के जब सीन्स देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वाओ मैं क्या अब वैसा कर पाऊँगी एग्जैक्टली exactly. तो वो एक वाइब थी वो एक कुछ लोग एक साथ जब जुड़े काम करने के लिए और वो दिल से चाहते थे इतना अच्छा सब ने सूरज ने अनस ने भावों ने इतना अच्छा उसको True. निभा दिया है ना कि संध्या तो अपने आप दिखनी थी तो वो चीज़ है और मुझे इस बार भी यही विश्वास है कि आदित्य जो नमन कर रहे हैं आ, सानी का जो लक्ष्मी कर रही है ये लोग उर्वशी जी जो मेरी मदर इन लॉ बनी है संगीता जी जो मेरी मम्मी बनी है एवरी वन इज़ वर्किंग सो हार्ड यू नो दे आर फुल देयर वी लव टू बी देयर ऑन द सेट टॉकिंग टू ईच अदर शेयरिंग अ बॉन्ड विद ईच अदर ऑफ कैमरा टू इट्स द सेम वाई दैट वी शेयर इन दैट शो तो आई एम वेरी होपफुल अबाउट दिस शो ऑल्सो आई टू आस्क यू सानिका द फर्स्ट शो जो आपको ऑफर हुआ या इससे पहले भी कई बार आपने ऑडिशन दिया ऑडिशंस uh, तो मैंने दिए हैं एज आई सेड कि एक्टिंग का कीड़ा हमेशा से रहा है सो दैट हैपेंड बट ये ऐसा शो था जहाँ पे मुझे काम से काम मिला है विच मीन्स आई ऑलवेज बिलीव इन दैट कि कोई आप अच्छा काम करते हो तो काम से काम तो मिलता ही है सो एज आई सेड कॉन्टेंट क्रिएशन के थ्रू मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई टू ऑडिशन फॉर दिस पर्टिकुलर रोल मैंने उसको ऑडिशन किया पहले तो मैंने फ़ोन से अपना ऑडिशन भेजा था फिर मैंने यहाँ आके ऑडिशन दिया मॉक शूट्स किए लुक टेस्ट किया एंड आई वेंट थ्रू द एग्जैक्ट सेम प्रोसेस एवरी एक्टर गोज थ्रू that happened and then i'm here as lakshmi. You know, what is that one thing about relationships you have explored through <coughs> this show till now? Uh, relationships with respect to my co-actors is what you're yeah, asking. not co-actors, but in real life as well. like, you know, mm. overall institution of marriage, if i tell you. okay. so uh, what i really firmly believe is, initially nobody is going to be um, showing you their flaws. अभी हम दोनों अभी बात कर रहे हैं इफ़ वी बिकम फ्रेंड्स ऑफकोर्स वी आर फ्रेंड्स वी आर टॉकिंग राइट नाउ बट इफ वी बिकम फ्रेंड्स तो धीरे धीरे हमारे लेयर्स अनफोल्ड होने शुरू हो जाएंगे yeah. जैसे जैसे वो अनफोल्ड होंगे वैसे वैसे हमारे फ्लॉज बाहर आएंगे yeah. तो कोई रिलेशनशिप में भी वही प्रोसेस होता है तो तुम जितना जब वो फ्लॉज बाहर आते हैं तब यू हैव टू डिसाइड कि हाँ मैं ये पर्सन के ये फ्लॉ को लेके एक्सेप्टेबल हूँ या नहीं हूँ एंड दैट इज़ द पॉइंट वे यू गेट टू डिसाइड कि ये तुम्हारा लाइफ पार्टनर होगा या नहीं होगा सो आई थिंक आजकल की जनरेशन जेन स्पेसिफिकली जेन्जी वैसे तो मैं Gen Z में फॉलो करती हूँ बट आई डोंट कैटेगराइज माई सेल्फ Gen Z मैं बहुत hmm. millennial टाइप्स की हूँ मुझे गाने भी बहुत hmm. पुराने जमाने वाले पसंद हैं सो आई हैव अ मिक्स फ्लेवर तो मैं uh, हमेशा से यही थाट uh, प्रोसेस में रहती हूँ कि जो है यू हैव टू टेक टाइम फॉर थिंग्स एंड टेक वाइज डिसीजनस

अब देखिए मुझे जरा भी परेशानी नहीं होती बिकॉज आई एम एन एक्टर और मैंने यही सीखा है कि मैं नो वी आर बिंदास यू you नो know, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता uh, चाहे वो नुक्कड़ नाटक पे जब हम लोग थिएटर करते थे तो आई एम वेरी मच मैं जानती हूँ कि हर एक इंसान जो है किस स्टेज पे है लाइफ की वो मुझे नहीं पता है uh, क्या वो गोइंग थ्रू कर रहा है अपनी लाइफ में आई डोंट नो क्या पता उसका ब्रेकअप हुआ और वो उसको अपनी गर्लफ्रेंड मुझ में दिख रही है और उसको चिड़ वो मेरे ऊपर निकाल रहा है क्या पता यू you नो know, उसके फ़ादर मदर की एक्सपेक्टेशन है मेरे जैसा बनना और वो वैसा नहीं बन पा रहा वो चिड़ है वो मुझे ऊपर निकाल रहा है तो आई रियली डोंट नो कि वो कौन सी एज ग्रुप में है और किस लेवल पर वो यू नो ट्रामा से सफ़र कर रहे हैं तो इफ़ माई पेज गिव दैम टू

ध्यान रखें अगर वो बीमार हैं तो उनका ध्यान रखें बच्चे बीमार हैं तो उनका ध्यान रखें उस टाइम पे आप हर रोज वर्कआउट नहीं कर सकते हो सम टाइम्स लाइफ में कुछ कमिटमेंट्स होते हैं तो को है। uh, कोई रिलेशनशिप्स को आपको टाइम देना पड़ता है कोई हॉस्पिटलाइज है तो आपको उसके पीछे जाना पड़ेगा रात और रात अपनी नींद खराब करनी पड़ेगी तो आई एम लिविंग अ लाइफ ऑफ अ पर्सन एंड इट हैपन्म एन एक्टर एंड आई एम बिंदास लासी मंगल लक्ष्मी ऑडियंस से क्या कहना चाहती है बस ये कहना चाहते हैं कि 27 फरवरी को रात नौ बजे, नौ बजे से मंगल लक्ष्मी आ रहे हैं सिर्फ कलर्स पर सिर्फ कलर्स पर हर रोज हमें देखिए रात नौ बजे ओनली ऑन कलर्स एंड आई एम सो श्योर कि यू बी डिसअपॉइंटेड विद द शो क्योंकि बहुत वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स है ये शो में और ऑडियंस को बहुत रिलेटेबल होने वाला है हाई एम दीपिका सिंह हाई एम सानिका अमित थैंक यू फॉर वॉचिंग अस ऑन बॉलीवुड बबल